आज से 100 से 150 साल पहले और आज के समय में दो चीजों का सबसे ज्यादा अंतर है, दो चीजों का सबसे ज्यादा डिफरेंस हुआ है। पहला नॉलेज और दूसरा एनर्जी कंजप्शन। आज से 100-150 साल पहले के इंसानों से ज्यादा नॉलेज हमारे पास मौजूद है। हमारे पास उस समय से काफी ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है। आज से 100-150 साल पहले जहाँ लोग लालटेन जलाकर पढ़ते थे, वहीं आज एसी में बैठे एलईडी में भी नहीं पढ़ते। मतलब घरों में हमारी बिजली आ चुकी है, जिसकी वजह से हम रोज एनर्जी के इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म बहुत ही ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। हम आज बैलगाड़ियों की जगह मर्सिडीज में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा एनर्जी का प्रयोग करना पड़ रहा है। आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं और मंगल पर पहुंचने की तैयारी में। इन सभी चीजों को करने के लिए हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ा और हमें अपने एनर्जी के उपयोग को भी बढ़ाना पड़ा। मतलब जो सभ्यता जितनी ज्यादा एनर्जी का प्रयोग करती है, वो उतनी ही ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन यानी विकसित सभ्यता कहलाती है। हमने अपनी मानव सभ्यता को विकसित करने के लिए एनर्जी का बहुत ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया है। अगर हमारे पास एनर्जी के और भी बड़े बड़े सोर्स मिलने लगे, तो हम बस, ट्रक, कार को चलाने के लिए पेट्रोल का नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रयोग करने लगेंगे। अगर हमारे पास एनर्जी के और भी ज्यादा सोर्सेस मिलने लगे, तो हमारे रॉकेट्स स्पेस में ज्यादा तेजी से मूव कर पाएंगे और बहुत ही ज्यादा दूर भी ट्रेवल कर पाएंगे। जो सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा एनर्जी का उपयोग करेगी, वह सिविलाइजेशन उतनी ही ज्यादा एडवांस होती जाएगी। यही बात सोचते हुए एक रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डेशियव ने 1964 में एक हाइपोथेटिकल स्केल बनाया, जिससे हम यह बता सकते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा एडवांस है, कितनी ज्यादा विकसित है। उनके अनुसार जो सभ्यता जितनी ज्यादा एडवांस होती है, वह उतनी ही ज्यादा एनर्जी का प्रयोग करती है। उन्होंने ऐसे एडवांस सिविलाइजेशन को 3 भागों में बांटा, Type 1 सिविलाइजेशन, Type 2 सिविलाइजेशन और Type 3 सिविलाइजेशन। बाद में दूसरे एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने 2 कैटेगरी और बनाया, Type 4 सिविलाइजेशन और Type 5 सिविलाइजेशन। ये सारी सिविलाइजेशन कैसी होगी, इनके पास क्या क्या टेक्नोलॉजी होगी और ये क्या क्या कर पाएंगे, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में बताएंगे। इसीलिए हमारे आगे के आने वाले साइंस वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करना।